संदेह है कि आपका पुराना दुश्मन आजम खां हमारी रियासत में घुस चुका है और होली के इस अवसर पर आपके ऊपर एक गहरा आघात करने की फिराक में। मतकली अब जा, ये रसायन अकबर पर फेंक गया। जापना की जय। अरे आइए बीरबल, आइए। जापना, वो होली के कार्यक्रम में आने के लिए हमने शांतिनगर के राजा देवव्रत को जो न्योता भेजा था वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। राजा देवव्रत आ रहे हैं, ये तो बहुत ही खुशी की बात है बीरबल। आप हमारे महल में, अरे रानी साहब आइए आइए बैठिए आप। अब हमारे महल में ऐसी होली होनी चाहिए, ऐसी होली होनी चाहिए कि राजा देवव्रत वाह 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 करते ना थके। ये भी कोई होली है? अरे होली तो हमारे मैके में लोग खेलते, और क्या होली खेलते, क्या होली खेलते, पूरा तालाब लाल रंग से भर देते, डुबा डुबा के होली खेलते लोग। लेकिन रानी साहिबा, सच पूरे साल होली का किस तरह हमें इंतजार रहता है। जी जहांपनाह, अरे त्योहार ही कुछ ऐसा है, बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है होली। आपने उस भक्त प्रहलाद की कहानी तो सुनी होगी ना, एक और बार सुनाते हैं आपको। एक बहुत ही घमंडी राजा हुआ करता था, हिरण्यकश्यप। उसका एक बेटा था प्रहलाद, वो विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसके पिता को ये बात पसंद नहीं थी, और इसलिए हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद से कहा कि वो कभी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेंगे। लेकिन भक्त प्रहलाद जी विष्णु भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने अपने पिता की एक न सुनी और विष्णु जाप करते रहे। इस बात से गुस्सा होके, नाराज होके, हिरण्यकश्यप ने अपने खुद के बेटे को अपनी बहन होलिका के गोद में बिठाया और दहन कर दिया। होलिका तो चल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद बच गए। उनके विश्वास की ये जीत थी जहांपनाह, और विष्णु भगवान ने नरसिम्हा का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया। वाह रानी साहिबा, कितनी अच्छी कहानी सुनाई है आपने हमें। उतनी अच्छी होली भी मनाएंगे हम जहांपनाह, जैसे हम अपने मैके में मनाया करते हैं। क्यों भाई साहब, सबको डुबो डुबो कर। नहीं नहीं जहांपनाह, होली के एक हफ्ते पहले से ही होली का दहन की तैयारी, कुमकुम रंग सब चीज इकट्ठा करके होली के दिन राजा और प्रजा एक साथ होली खेलते हैं। जहांपनाह क्यों ना इस बार शाही होली का आयोजन महल के बाहर बड़े मैदान में किया जाए। वाह वाह बलदेव वाह, क्या कमाल की बात की है आपने। खुले आसमां के नीचे मैदान में होली खेलेंगे हम, वो भी अपनी पूरी आवाम के साथ। ऐसा तो हमने पहले कभी नहीं किया। बीरबल आप इसकी तैयारियां कीजिए। बीरबल सिर्फ लाल रंग नहीं, नीले पीले हरे सारे रंग होने चाहिए तालाब में। चलिए जहां पर हम चलते हैं। रानी साहब, रानी साहब। अरे क्या हुआ बीरबल, क्या देख रहे हैं आप? रानी साहिबा तो ऐसे ही जाती हैं और ऐसे ही आती हैं और ऐसे ही हमें बड़ा भाती हैं। लेकिन बीरबल, हमारे एक सवाल का आज फिर से आप जवाब दीजिए। हमें बताइए, वो कौन सी चीज है जिसका ना आना अच्छा ना जाना अच्छा? जहांपनाह, बात बात में सवाल पूछना कोई आपसे सीखे। जहांपनाह की जय हो। जहांपनाह एक महत्वपूर्ण सूचना। बताइए क्या सूचना लाए आप? जहांपनाह, संदेह है कि आपका पुराना दुश्मन आजम खां हमारी रियासत में घुस चुका है और होली के इस अवसर पर आपके ऊपर एक गहरा आघात करने की फिराक में। आप जा सकते हैं। आजम खान, हजार कोशिशों के बाद भी ये आदमी हमारी गिरफ्त में आज तक नहीं आया। इसलिए जहांपनाह, आजम खान हमारे लिए चुनौती बन चुका है। इस विषय को गंभीरता से लेना होगा। सक्कली की गतिविधियां पहले भी संदेहजनक रही, और जब पता चला है कि जहांपनाह पर जानलेवा हमला होने वाला है तो मसक्कली पे नजर रखनी होगी। सिपाही, महल के मुख्य द्वार से कोई भी अंदर या बाहर जाए, कोई भी, उस पर नजर रखें और तलाशी लें। कोई भी। बीरबल जी, बीरबल जी, क्या अब हमारी भी तलाशी लेंगे? बलदेव जी, पिछली बार
किशनगढ़ के राजमहल में आजम खान दासी बनकर घुसे थे और राजा की हत्या कर दी। हम नहीं चाहते कि हमारे जहांपनाह के साथ भी कुछ ऐसा। जहांपनाह को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इतना घबरा क्यों रहे हैं? हमने सुरक्षा प्रमुख से बात करके जहांपनाह की सुरक्षा बढ़ा दी है। अब जहांपनाह के साथ 3 सुरक्षा कर्मी आगे और 3 सुरक्षा कर्मी पीछे हमेशा साथ रहेंगे। क्या है ना बीरबल जी कि आपको इन चीजों के बारे अनुभव नहीं है, इसलिए आप घबरा रहे हैं आम आदमी की तरह। बल्देव जी, आजम खान जो है वो आम बनकर ही खास लोगों पर वार करता है। पता नहीं इस बार आजम खान कैसे वार करने वाला है। कितनी देर लगती आने में? ये देखो, ले आए हैं हम अपना मोहरा। तो ये करेगी हमारी साजिश पूरी। कैसी साजिश? कौन है ये तुरम? आजम खान बड़ा है बाहर, अकबर का जानी दुश्मन। इस होली हम उसे इस दुनिया से बेदखल कर देंगे। देखिए, ये हमसे नहीं होगा। मसकली, आजम खान हमारे बहुत अच्छे दोस्त, और अगर आप इनकी मदद नहीं करें तो हम हो जाएंगे आपसे खफा, और फिर आपकी बुढ़िया अम्मी को कर देंगे इस दुनिया से तबाह। वो देखिए, अम्मी जान, अम्मी जान, अरे अपनी अम्मी की सलामती चाहती हो या नहीं, तो आजम खान की मदद करोगी या नहीं? मेरे बच्चे। ये ले, इसे रंगीन पानी में घोलकर अकबर के ऊपर फेंक देना, सीधे जन्नत पहुंच जाएगा। अकबर, ये होली तेरी कब्र खोदेगी। कब्र? बा अदब, बा बुला हिजा होशियार, जिनके आगे 3, जिनके पीछे 3, बीच में बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन, अकबर पधार रहे। हटिए हटिए, जगह बनाइए, जाने तो दीजिए, हमें कैदी की तरह लेकर आ रहे हैं हमें। जापना, ये सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अरे आप लोग तशरीफ रखिए। देखिए बलदेव, ये आजम खान हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। आप इन्हें छोड़िए। बीरबल, आप बताइए कि होली की तैयारियां कैसी चल रही है? जापना, हम आपके जज्बे की कदर करते हैं। एक जापना को आप की तरह निडर होना चाहिए। फिर भी क्या, अपनी बात पूरी कीजिए बीरबल। जापना, आप तो जानते ही हैं कि हमें एक खुफिया जानकारी मिली है कि आप पर हमला होने वाला है। इसके मद्देनजर रखते हुए हम होली के कार्यक्रम में थोड़ा सा फेर बदल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो होली का कार्यक्रम बाहर खुले मैदान में होने वाला था, अब वो वहां ना होकर महल के अंदर ही हो। बीरबल, महल के अंदर तो होली हम हर साल मनाते हैं, और इस आजम खान की वजह से अपने कार्यक्रम में तब्दीली नहीं करेंगे हम। माफ कीजिएगा जहांपनाह, सभी का सामूहिक निर्णय है। जहांपनाह, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इनकार मत कीजिएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि होली के आनंद में कोई कमी नहीं आएगी। हाँ बुबू, इस बार भी महल के गुसलखाने रंग से भर देंगे। दीमाग, और अपने शाही मेहमान राजा देवव्रत जी के साथ उसी में खेलेंगे शाही होली। नहीं शहजादे सलीम, हम नहीं चाहते कि इस साल होली कुछ इस तरह की हो। आप सब जानते हैं कि सिंध के इलाके में सूखा पड़ा है, वहां के लोग सूखा ग्रस्त है, एक एक बूंद पानी के लिए तरस है। ऐसे में हम पानी से होली खेलें, पानी की बर्बादी करें, ये उचित नहीं है। जापन, वैसे हम आपकी बात से इत्तफाक तो रखते हैं। बीरबल, हमारे पास एक सुझाव है। जापन,
क्यों ना हम इस बार सूखी होली मनाएं? चारों तरफ रंग ही रंग बिखेरे, पानी का बचाव करें और उन लोगों तक पानी पहुंचाएं जिन्हें पानी की आवश्यकता है, उनकी तृष्णा मिटाएं। बीरबल, आपका ये मशवरा काबिले तारीफ। हमारी रियासत में ऐलान कर दिया जाए कि इस साल हम सूखी होली मनाएंगे और हमारी रियासत के जितने भी लोग हमारा साथ देंगे, यानी कि पानी बचाएंगे, वो एक बड़े इनाम के हकदार होंगे। पर अब हम रंग कैसे फेंकेंगे? और अगर ऐसा नहीं किया तो हमारी अम्मी जान को वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब क्या करें? हमें अब और चौकन्ना रहना होगा। खतरा अभी तक टला नहीं है, इस अनजान खतरे को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। गुजिया। हाँ जहांपना, हमारे मैके में गुजिया के बिना होली अधूरी होती है और ये गुजिया हमने अपने हाथों से बनाई है, महल में सबको खिलाएंगे। ये तो अच्छी बात है रानी साहिबा, लेकिन हम आपको एक और बात बता दें, इस साल हम सूखी होली मनाएंगे। सूखी होली? जहांपना, ये कौन सा नया आविष्कार है? सूखी होली आपने कभी सुना है क्या? अनी साहिबा, जिस रियासत का एक हिस्सा पानी के लिए तरस रहा हो, वहाँ के शहंशाह को ऐसे पेचीदा फैसले लेने पड़ते हैं। तो हमारा क्या झांपना? सारी अपनी सहेलियों को न्योता दे दिया था, अब सूखी होली है, उन सबको मना कर देते। अब क्या किया जा सकता है रानी साहिबा? खैर आप दिल छोटा मत कीजिए, देखिए वैसे भी सिर्फ पानी पर पाबंदी है, लेकिन फिर भी इस होली को रंगीन बनाने के लिए अगर आप और कुछ करना चाहें, जो कुछ करना चाहें, हम करवाने के लिए तैयार हैं। बताइए आप क्या करवाना चाहते हैं? वादा वादा वादा, पक्का वादा। जावना, फिर हमारे मैके में ना एक रासलीला की टोली है जो होली के त्योहार पर रासलीला करती है, राधा कृष्ण की रासलीला। हम उन्हें बुला दे, होली में चार चांद लग जाएंगे। बस इतनी सी बात रानी साहिबा? अरे समझ लीजिए टोली आ गई। बादशाह अकबर ने सूखी होली का ऐलान करके एक बार फिर हमारे मंसूबा पर पानी फेर दिया। अब मशक कली उन पे वो रंग कैसे डालेंगे? ऐसा क्या था उस चूरन में जो मशक कली उसे बादशाह अकबर के ऊपर फेंकती और बादशाह अकबर का काम तमाम हो जाता? आजम खान बड़ा हैवान, ये खास चूरन हम कजाकिस्तान से लेकर आए थे जो जिस्म पे पड़ते ही मांस क्या इंसान की हड्डियां तक गला दे। ये देखो, इस चूरन को हमने पानी में मिला के एक खास मिश्रण तैयार किया है। आए आपको दिखाएं ये मिश्रण क्या कमाल करता है। ये देखिए। खैर ये काम हमें खुद ही करना होगा। अकबर की सूखी होली को गीला हम बनाएं। सिपाही, सिपाही, ये तो बेहोश, इसके कपड़े कहीं आजम खान की कोई चाल तो नहीं? ये महक कैसी, जैसे कोई रसायन हो। सिपाहियों, सिपाहियों,
कितने प्यारे बच्चे हैं। रासलीला की इस नन्नी मुन्नी टोली का हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर अपने महल में इस्तकबाल करते हैं। जापना कीजिए। आइए आइए बीरबल, कहाँ रह गए थे आप? क्या हुआ बीरबल, आप किस सोच में डूबे हैं? अभी बच्चों की रासलीला आरंभ होने वाली, ऐसे में जापना को आजम खान के महल में छुपे होने की खबर देना उचित नहीं। इतने खामोश क्यों हैं आप बीरबल? चलिए हमारे सवाल का जवाब ही दे दीजिए। क्या जापना, आप भी सवाल जवाब बाद में कीजिए, अभी रासलीला तो देखिए। ये बात भी सही है रानी साहिबा, रासलीला शुरू की जाए। फिर वैसी ही महकारी जैसे कल बेहोश सिपाही के कपड़ों से आ रही थी। यहीं कहीं से उस रसायन की महकारी, लेकिन कहां से? मुरली चंग बजत डपुनारो, मुरली चंग बजत डपुनारो, संग युवती ब्रज नारी, ये देखो अकबर की सूखी होली हम कैसे गीली कर रहे हैं। मसक्कली, एक बात हमेशा याद रखना, मकसद से बड़ा कोई फरमान नहीं होता, समझी? इस दिशा से महकारी। अब जा, इसे अकबर पर फेंक के आ। डर मत, जा और इसे फेंक कर आ और तुरंत वापस आ जाना, इससे पहले तुम्हें यहां कोई देख ले, हम तुम्हें इस महल से लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे। तुम्हें तुम्हारी अम्मी जान भी मिल जाएंगी, तुम भी खुश और
आप भी खुश। सुन, अब यहीं से छुपकर अपने जानी दुश्मन को तड़पता हुआ और मरता हुआ देखेंगे। जा आजम खान बड़ा है वहां। मसक्कली का सच सबके सामने आ गया जापना। हमें तो पहले इन पर शक था।